रियासती वक्फ बोर्ड के इंतखाबात चल रहे हैं। मुतवली ज़िमरे में तकरीबन 6 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन भरा है और 6 उम्मीदवारों के बीच ये मुकाबला है। 6 उम्मीदवारों में सरवर बेग एक उम्मीदवार हैं जो बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखते हैं, बेंगलुरु के चामराजपेट से ताल्लुक़ रखते हैं और मुतवली ज़िमरे में उन्होंने भी नॉमिनेशन भरा है और इन्हें रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद ख़ान की हिमायत भी हासिल है। बात करते हैं सर, अचानक वक्फ में आपका नाम सुनने को मिला, बहुत सारे लोग आपको देखना चाह रहे हैं, कौन सरवर बेग हैं, किस तरह से आपका ताल्लुक़ हुआ वक्फ से? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सबसे पहले मैं हर स्पीच में बोलता हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और ज़रिया बना के जो BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब को अल्लाह ने भेजा, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे हमारे शाहिद भाई ने पूछा कि आप इस इलेक्शन में कैसे आए और लोग जानना चाहते हैं कि सरवर बेग कौन है करके, तो पहले मैं बता देता हूँ कि मैं DWSC बेंगलोर साउथ में एज अ वाइस चेयरमैन, ज़मीर अहमद ख़ान साहब जब मिनिस्टर थे तब मैं एज अ वाइस चेयरमैन काम करके हूँ, तो उस वक्त मेरी बहुत दिलचस्पी थी प्रॉपर्टीज़ के खाते और प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स सही करने में, क्योंकि आज हम रहेंगे कल इंशाल्लाह हम नहीं रहेंगे तो भी डॉक्यूमेंट्स तो इंशाल्लाह क़यामत तक रहेंगे और डॉक्यूमेंट ही प्रॉपर्टी का आईना है, तो मुझे उसमें दिलचस्पी थी। तो बहुत से खाते बने, हमारे चेयरमैन शाहिद साहब थे, सुजा साहब थे, तो उनके साथ मिलके हमने बहुत से खाते बनाए, तो उसमें मेरा मेजर कंट्रीब्यूशन था। तो ज़मीर साहब उस वक्त से मेरे पे निगाह रखे थे और देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब ये बोर्ड इलेक्शन आए और ये जैसे आप सब देख रहे हैं कि बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं वफ बोर्ड में, वफ अदालत करके सभी, तो इन्होंने मुझे बुलाया, बोला कि आज वफ को एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की और डॉक्यूमेंटेशन सही करने की ज़रूरत है, और मेरे दिमाग में तुम्हारा नाम आया, तुम खड़े हो जाओ। तो मैंने बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पे लाके खड़ा किया। और रही बात जैसे शाहिद साहब बोले कि आप कहीं लोगों को मिल नहीं रहे हैं, बहुत से लोगों को नहीं मिल रहे, देखिए बोर्ड इलेक्शन बहुत जल्द अनाउंस हो गया और वक्त कम है और मैं जितना हो सकता है उतना मैं लोगों को, मुतवलियों को मिल रहा हूँ, और जो भी मुतवलियों से मैं ना मिलूँ ये ना समझे कि मैं उनका साथ नहीं दूंगा, उनका नुमाइंदा बन के बोर्ड में काम नहीं करूँगा। मिलने से ज़्यादा मुझे 5 साल बोर्ड में प्रॉपर्टीज़ वफ़ के जो भी अल्लाह की प्रॉपर्टी है उस पर काम करना है, डॉक्यूमेंटेशन सही करना है, डेवलपमेंट करना है, और वफ़ का एडमिनिस्ट्रेशन रहे, लीगल डिपार्टमेंट रहे, और वफ़ जैसे अपडेट होके नहीं है वो अपडेट करने में दिलचस्पी लेना है, तो 5 साल मुझे काम करना है। तो अगर मैं आप लोगों को सामने ना आऊँ तो फिर भी ये स्पीच के थ्रू आपको मेरे पे यकीन है और अल्लाह आपके दिमाग में और दिलों में हिदायत डाल दे कि भाई आदमी बंदा सही है, तो आप मुझे वोट दें और आपके भरोसे को और आप वोट के थ्रू जो मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं तो वो इज़्ज़त को मैं बरकरार रखूँगा, दाग आने हरगिज़ नहीं दूँगा, और ज़मीर अहमद ख़ान साहब जो भरोसा रखे हैं उनके साथ मिलके मैं इंशाअल्लाह हक़ का काम करूँगा और उनका भी भरोसा मैं हरगिज़ नहीं तोड़ूँगा। आपका सीरियल नंबर क्या है? मेरा सीरियल नंबर 5 है, और जैसे आपने बताया स्टार्टिंग के सरवर बेग साहब बेंगलोर और मैसूर डिवीज़न में पहला वोट और दूसरा वोट अनवर बादशाह साहब को, और गुलबर्गा और बेलगावी डिवीज़न में पहला वोट अनवर बादशाह साहब को और दूसरा वोट मुझे सरवर बेग के लिए। ऐसा नहीं कि बेंगलुरु डिवीज़न और मैसूर डिवीज़न की हद तक ही मैं आगे चल के भी काम करूँगा, ये आके 2 मुतवलियों को चुनना है, तो ज़मीर साहब ने हम दोनों का नाम लिया, पर काम तो पूरे कर्नाटक में हम करेंगे, पूरे कर्नाटक के वास्ते, डेवलपमेंट के वास्ते हम काम करेंगे। आज ऐसे हो रहा है जैसे आप देख रहे हैं, जैसे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे कुफ्फारे मक्का थे, सब नहीं, थोड़े से ऐसे हैं, थोड़े से पार्टियां ऐसे हैं। आप देख रहे हैं कि यूपी में कितना घरों का डेमोलिश और प्रॉपर्टीज़ का सभी डेमोलिश वफ बोर्ड का सभी हो रहा है, ये चीज़ हमें कर्नाटक में नहीं होना है। तो इसलिए पहले डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करना है और वफ बोर्ड में डेवलपमेंट करना है। आज क्या हो रहा है देखिए, जितने भी कैंडिडेट्स खड़के हैं तो उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं और उनके अगेंस्ट मेरे को कोई बात करने का नहीं है। मुझे क्या है बोले तो मैं कंसंट्रेशन दे रहा हूँ डेवलपमेंट पे। कौम के वास्ते हम 6 लोग
चाहे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह मैं जीत के आऊँगा, मेरे साथ एक और बंदा जीत के आएगा, फिर हम चार बंदों को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, उन चारों को भी लेके उनको इंटरेस्ट है इसीलिए वो आके हैं इलेक्शन में। तो मेरा क्या है, सबको साथ लेके, सबको साथ लेके, सबके साथ मिलके काम करने का है। तो जैसे आप लोग सब जानते हैं, एक झाड़ को कमज़ोर करना है तो जड़ को नहीं काटते, पहले क्या करते हैं उसके ढालियों को काटा जाता है, बाद में धीरे 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 से वो फल देना ख़त्म कर देता है, बाद में जड़ से काट देते हैं। इसी तरीके से हमारे कौम के ख़िलाफ़ बहुत से साजिशें चल रहे हैं, आज हमें एकजुट होकर काम करना है, और जो भी मुतवलियाँ हैं उनको अल्लाह ने एक मौका दिया है कि सही आदमी को लेके आए, तो हमारे छः में आपको जो सही दिखे और जो अल्लाह बेहतरी के लिए वफ के लिए काम करे, मेरी गुजारिश, मैं अपने लिए नहीं, अपने साथ मेरे साथ खड़े हुए पांच लोगों के लिए भी मैं वोट पूछ रहा हूं कि आप सही जिसे समझते हैं उसे आप आगे लेके आए और उससे काम लें। आपके साथ में एक कैंडिडेट दरगाह बंदा नवाज के सज्जादे साहब के फर्जंद है, जिन्होंने फ़ौरन में तालीम हासिल की है, हाईली क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर हैं, एक बड़ी शख्सियत आपके मुकाबले में है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसको मुकाबला नहीं समझता, एक चीज़ क्या है, उनको वफ में इंटरेस्ट है तो वो आगे आके हैं और मुतवल्ली के नुमाइंदे बन के, जो हमारे पास मुतवल्लियों का नुमाइंदा बन के जाने के लिए इलेक्शन ही है, इलेक्शन के थ्रू ही जा सकते हैं, अभी उनको इंटरेस्ट है वो आगे आके हैं। तो अभी मुतवल्लियों को डिसाइड करना है कि मुतवल्ली किसे वोट डालें, ये छोटा काम नहीं है, मुतवल्लियों का बहुत बड़ा काम है कि पिछले या कई दिनों से मिनिस्टर रहे, बोर्ड रहे, काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, शिकायतें तो बहुत करते, पर ये आज आपको अल्लाह ने ताकत दी है, आप सही नुमाइंदा लेके आइए, काम लीजिए, इंशाअल्लाह डेवलपमेंट के ऊपर और कौम की तरक्की के ऊपर आप लोग सोच के अपना वोट दीजिए, इन्फ्लुएंस किसी का भी इन्फ्लुएंस हो मत लीजिए, सही क्या है गलत क्या है। अब देखिए, ज़मीर अहमद ख़ान साहब हमारे चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं क्योंकि मैं उधर रह के देखा हूं, ज़मीर अहमद ख़ान साहब इतना काम करके हैं चामराजपेट में, वो इलेक्शन में पूरे 7 दिन या 10 दिन दौरा नहीं करते, वो लास्ट में 3 घंटे दौरा किए और करीब 55,000 के करीब लीडिंग से जीते। तो काम आदमी को इज्जत दे देता है, काम आदमी को लोगों के दिलों में प्यार और मोहब्बत भर देता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे मैंने इलेक्शन में कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट किया तो मेरे वालिदा मेरे से एक बात किया कि बेटा, अगर मुतवल्ली आपको चुन के आप उस पोजीशन पे आ जाएं तो पहले अपने आप को जितना ऊंचे मुकाम पे जाएं उतना छोटा बन के चलो, जितना आप छोटा बन के जाएंगे तो आप और भी ऊपर बढ़ेंगे। और दूसरी बात, आप पुराने डॉक्टर जैसे थे ऐसे बन जाओ। मैं पूछा कि पुराने डॉक्टर क्या, तो वो बोले बेटा पुराने डॉक्टर ऐसे थे कि जाके बैठ जाओ तो उनकी बातचीत से वो जो इज्जत देते थे उससे आधी बीमारी दूर हो जाती थी। तो मुतवल्ली भी अपनी खुद की ज़ाती परेशानी से नहीं आता, अपने मस्जिद जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये घर का, अल्लाह के घर का ग़ुलाम बन के अल्लाह के घर के काम के वास्ते जो आता है उसे बिठाओ, इज्जत दो, उसको क्या है उसका काम कब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप सही रास्ता दिखलाओ। आपसे नहीं हो रहा है तो आगे कहाँ होगा काम, वो काम करा के दो। तो मैं सही में, मेरे 6 भाई जो खड़े हैं उनमें जो भी सही है आप लोग उनको चुने। मैं अपने तरफ से अपील करता हूँ कि मैं जज्बा रखता हूँ तो मेरा सीरियल नंबर 5 है, आप मुझे भी चुने। बहुत शुक्रिया। सरवर बेग साहब जो हैं हमेशा से डॉक्यूमेंट को लीगलाइज़ करने का काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स को सही कराने के लिए लोग इनके पास जाते हैं क्योंकि इनका काफ़ी अच्छा उसमें कमांड है डॉक्यूमेंटेशन में। इसी वजह से ज़मीर अहमद ख़ान साहब भी चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड में इस डॉक्यूमेंटेशन हो, इसी वजह से इनका कहना है कि वक्फ बोर्ड में इन्हें लाया जा रहा है और ये इस वक्त जो है मुतवल्ली ज़िमरे में उम्मीदवार हैं। 19 तारीख को वोटिंग होगी, 21 तारीख को इसका रिज़ल्ट आना है और तकरीबन 1040 से ज़ायद जो हैं वोटर्स पूरे रियासत में हैं। इसके 4 डिवीज़न में अलग अलग इंतखाबात होने हैं। बेंगलुरु डिवीज़न में इंतखाबात होंगे, वोट डाले जाएंगे, वहाँ पोलिंग बूथ होगा। इसी तरह से मैसूर डिवीज़न में, बेलगाम डिवीज़न में और गुलबर्गा डिवीज़न में, इन 4 डिवीज़न में वोट डाले जाएंगे और इसका रिज़ल्ट 21 तारीख को होगा। देखना होगा कि किस तरह से इन 6 उम्मीदवारों में कौन कामयाब होते हैं। इस इलेक्शन में 2 वोट डालने होते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकेंड प्रेफरेंस। इसी तरह से सरवर बेग साहब
साउथ के दो डिवीज़न यानी मैसूर और बेंगलोर के लिए काम कर रहे हैं। इनके साथ में जो इनकी अनवर बादशाह हैं वो नॉर्थ कर्नाटक के डिवीज़न के लिए काम कर रहे हैं, गुलबर्गा और बेलगाम डिवीज़न के लिए। इसी तरह से ज़मीर अहमद ख़ान की हिमायत इन्हें हासिल है। देखना होगा कि किस तरह से आने वाले दिनों में इसका रिज़ल्ट मिलता है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।